हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हाउ टू मेक। केक को सजाने के लिए हमें एक अच्छी व्हिपिंग क्रीम की ज़रूरत होती है और कई बार वो हमें बाज़ार में नहीं मिलती। तो आज हम सीखेंगे कि घर पे आप बाज़ार जैसी व्हिपिंग क्रीम आसानी से कैसे बना सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आधा कप दूध, आधा कप शुगर और 2 चम्मच मैदा। अब हम एक पैन रख लेंगे और उसके अंदर 1/2 कप मिल्क डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 1/2 कप शुगर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शुगर को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये पूरी तरीके से मिल्क में डिसॉल्व हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच मैदा और मैदे को भी अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे। पूरी तरीके से इसमें डिसॉल्व हो जाए तब तक हम इसे मिक्स करेंगे। आपको भी ये ध्यान रखना है कि जो हम पूरा प्रोसीजर कर रहे हैं अभी हम विदाउट फ्लेम कर रहे हैं, और ये पूरा मिक्सचर बनाने का पर्पस ही यही है कि जब हम इसको फ्लेम पे पकाएंगे तो इसमें लम्स ना बने। तो जब ये पूरी तरीके से इसमें डिसॉल्व हो जाएगा तो अब हम अपनी फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। इसे हम लो फ्लेम पे कुक करेंगे। आपको इस पेस्ट को थिक होने तक कुक करना है, जिसमें आपके अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मिनट लगेंगे। और 3 से 4 मिनट में ये थिक हो जाएगा, मतलब ये इतना थिक होना हो जाना चाहिए कि चम्मच पे जैसे कस्टर्ड की तरह आता है उस तरीके से आए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आप इसे एक बोल में निकाल लेंगे। इसे गरम गरम ही बोल के अंदर निकाल लेना है आपको, ठंडा होने का वेट नहीं करना, क्योंकि हमें इसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं जमने देनी। तो इसलिए हम इसे गरम गरम निकाल के इसके ऊपर इस तरीके से फॉइल पेपर प्लेस कर देंगे। फॉइल पेपर हमने इस तरीके से प्लेस करना है कि इसके अंदर एयर ना जाए। पेस्ट से चिपका के हमें इसे सेट कर देना है फॉइल पेपर को। आपके पास अगर फूड लैमिनेट है तो आप फूड लैमिनेट भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास फॉइल पेपर है तो आप फॉइल पेपर भी यूज़ कर सकते हो। अब इस तरीके से इसे सेट करके आप इसे 20 to 25 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, मतलब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप के लिए हमें चाहिए अमूल बटर। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम अमूल बटर लिया है, जिसे मैं इस बाउल में निकाल के अच्छे से बीट करूँगी। इसी के साथ साथ आपकी क्विक टिप ये है कि जो भी क्वांटिटी मैं ले रही हूँ आप उस क्वांटिटी को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर आपको 1/2 kg के केक के लिए क्रीम बनानी है तो ये क्वांटिटी परफेक्ट है। अगर आपको इससे बड़ा केक बना रहे हो आप, या फिर आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हो, तो इसकी जस्ट डबल क्वांटिटी ले सकते हो। अब आप देखिए, मैं इस बटर को अच्छे से विस्क करूँगी। आपको कंटिन्यूसली इसे चलाते रहना है, और जैसे जैसे हम इसको विस्क करेंगे आप देखेंगे कि जो येलो कलर का बटर था उसका कलर लाइट होने लग जाएगा। अभी से ही देखिए इसका कलर चेंज होने लग गया है, ये हल्का येलोइश हो गया है और धीरे धीरे ये वाइटिश कलर में भी आएगा। अब इसको विस्क करते हुए हमें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, हमें फास्ट फास्ट इसे विस्क करना है। और विस्क करने के बाद हमें इसे 4 से 5 मिनट विस्क करने के बाद हमें इसे 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देना है। मैंने बटर को 10 मिनट बाद फ्रिज से निकाला है और अब दोबारा से मैं इसको विस्क करना स्टार्ट करूंगी। मीनवाइल जो हमने पेस्ट बनाया था वो भी ठंडा हो जाएगा और हमारा बटर भी अच्छे से बीट हो जाएगा। तो देखिए, अब मैं जब इसे बीट कर रही हूँ तो इसका कलर और लाइट होता जा रहा है और बटर भी फ्लफी होता जा रहा है। आई नो ये वीडियो आपको थोड़ी सी लंबी लग रही होगी, लेकिन इसके अंदर हमने पूरा आपको विस्किंग प्रोसेस बताया है। आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, आपको समझ में आए कि इसको कितनी देर तक आपको विस्क करना पड़ेगा ताकि ये फ्लफी हो, ये अच्छे से फूले और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर इसका आए। तो मैंने इसको बहुत फास्ट फास्ट विस्क किया है। इसे कंटिन्यूसली जितना अच्छे से और जितना फास्टली हम विस्क करेंगे उतना अच्छा ये फ्लफी होगा। और ये देखिए, अब इस क्रीम का जो कलर है वो वाइट होता जा रहा है।
दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छे से विस्क होने के बाद कितना फ्लफी हो गया है। अभी तो हमने इसमें अपना पेस्ट भी नहीं मिक्स किया, तो आप सोचिए कि ये कितनी अच्छी क्रीम हम बना रहे हैं, और सच मानिए इसका टेस्ट भी आपको अमेजिंग लगेगा। तो अब जो हमारा पेस्ट है वो ठंडा हो चुका है, इस पेस्ट में से हम फॉइल पेपर को निकाल लेंगे और इस पेस्ट को इस बटर के अंदर हम मिक्स करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि ये पेस्ट हमें एक साथ मिक्स नहीं करना है, हमें इसको एक एक स्पून बटर में डालना है और विस्क करना है। तो सबसे पहले मैं एक स्पून ये पेस्ट लूँगी और इस बटर में मिक्स करूँगी, इसको मैं विस्क करूँगी अच्छे से। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे इसको मैं विस्क करूँगी ये क्रीम में कन्वर्ट होता जाएगा, और जो इसकी आपको कंसिस्टेंसी है वो देखने से ही पता चल रही होगी कि किस तरीके से ये क्रीम बन रही है। ये देखिए, अमेजिंग। अनदर वन स्पून एंड देन विस्क। ये बिल्कुल एगलेस है और आपकी ये रेसिपी बिल्कुल सिंपल है। आप इस क्रीम को बड़े आराम से स्टोर कर सकते हैं, केक को डेकोरेट करने के बाद अगर आपकी क्रीम बच जाती है, इवन अगर आपके पास कलर्स है, फूड कलर्स है, तो वो फूड कलर्स भी आप इसके अंदर मिक्स करके अलग अलग कलर्स की क्रीम बना सकते हैं। आपको फूड कलर आराम से 2-3 ड्रॉप्स इसमें मिलाएंगे, लाइक ग्रीन, रेड, ब्लू, किसी भी कलर की क्रीम आप बना सकते हो। अमेजिंग, हमारी क्रीम देखिए कितनी अच्छे से बन रही है, और बिल्कुल ये लग ही नहीं रहा कि हमने इसे घर पे बनाया है। व्हिपिंग क्रीम आपकी ये एगलेस है, ये देखिए कितनी फ्लफी हो गई है ये। व्हिपिंग क्रीम हमारी ऑलमोस्ट बन चुकी है और पूरा पेस्ट मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें पूरी तरीके से मिक्स कर दिया है। व्हिपिंग क्रीम हमारी बहुत ही अच्छी बनी है, और दोस्तों मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में पाले जी से केक बनाया है जिसे मैंने इसी व्हिपिंग क्रीम से डेकोरेट किया है, तो मेरी वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए ताकि आप सीख पाएंगे कैसे आप इजीली केक बना सकते हैं और उसे डेकोरेट कर सकते हैं।